ग्राम सभा से लोकसभा तक संवाददाता हरदोई अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेजनाथ पुत्र चुराई ने जनसुनवाई के माध्यम से शिकायत करते हुए बताया कि गाटा संख्या 58 पर नाली बहाव के लिए अंकित है। नाली को दबंगों ने खेत में कर लिया है, जिससे ग्रामीणों का पानी निकालने में काफी दिक्कत होती है। मेकू पुत्र बालक राम खेलावन पुत्र राम अवतार नंदू पुत्र हेमनाथ जबरदस्ती पानी को रोक रखा है। बरसात में घरों का पानी निकलने में काफी दिक्कत होती है। गाँव के जाने वाले रास्ते पर गंदा पानी भरने से ग्रामीणों को निकलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीड़ित ने बताया कि ग्राम प्रधान नाली का निस्तारण ही नहीं होने देना चाहते, अगर निस्तारण करवाना चाहते हैं तो कानूगो आते मौके पर, लेकिन नहीं, विपक्ष कश्यप है, प्रधान भी कश्यप है, तभी शायद नाली निर्माण नहीं होने देना चाहते। लेखपाल ने बताया कि मैं मौके पर गया लेकिन कानूगो घटनास्थल पर आए नहीं, जिसके कारण विवाद नहीं सुलझ पाया। कानूगो से जब मीडिया कर्मियों ने जानकारी लेना चाहा तो कानूगो फोन से बात ही करना उचित नहीं समझा, जब भी फोन करो तो नंबर बिजी बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज नेटवर्क, जो बनेगा ग्रामीणों की आवाज। हम आपको बता दें, अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंडौली में आए हुए, जहां पे हम आपको बता दें कि ये जो रास्ता है, रास्ता आने जाने के लिए इसमें काफी जल भराव है। ये गवर्नमेंट की नाली है, मतलब कि सरकारी नाली बनी हुई है जो आधी अधूरी पड़ी है। ग्राम प्रधान से भी पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था निकलवा देंगे नाली। लेखपाल से भी बात हुई, लेखपाल ने कहा ठीक है, मौके पे आए थे जांच करने के लिए, जांच करके गए, लेकिन अब हम जानते हैं कि नाली आगे निकली या रास्ते पे भरा रहता। हम बात करेंगे ग्रामीणों से, क्या इनकी परेशानी है। हमारा रामचंद्र नाम है, हम बता रहे हैं हमको डगर निकलना चाहिए। हमारे तीन आदमी हैं, मैकू हैं और राम खिलावन हैं, नंदा हैं। ये लोगों के सामने ये हमको गली जत्ती हमारी है, नाली का पानी निकलना चाहिए। अच्छा, इसमें जो अभी तक कोई लेखपाल या कानून को देखने के लिए आए थे या नहीं? इसमें लेखपाल कानून गोई हमें पुलिस भी आई थी, इसमें कोई वो नहीं किया। लेखपाल पटवारी और सब तो आए ना, लेखपाल पटवारी सब लोग आए थे, मतलब कोई इसमें कोई वो नहीं किया हमको। अच्छा, तो क्या ये जो जमीन नाली की है, जो किसी ने जो जोत रखी है, जो इसमें रुपया दे दिया था, क्या है कुछ मतलब? इसमें कुंड नहीं के लोग है, इसमें कुंड नहीं है, इसमें मतलब ये है कि इसमें रुपया दे दिया गया है, तो इसमें ये हमारी नाली छोड़ी जाए। किसको रुपया दिएगा? पैसा दिया जाए, दिया गया है प्रधान वही का दिया, लेकिन लेखपाल पटवारी नहीं है। जब चकबंदी ने किया है तब बिरिन ने, राम खिलावन ने और नंदू ने रुपया दिया, तो ये नाली नहीं छूटेगी। ये सरकारी है, अब ये सरकारी है, ये वही पर देख लीजिए, ये नाली है, ये सरकारी है, ये वहाँ पर ले खाले ले पानी निकलना हमारा चाहिए। नाली क्या कह रही है? ये सरकारी है, सरकारी निकलना चाहिए। बताइए नाली तो है सरकारी, पांच पांच कड़िया नाली छूटी है हमारे खेत के, तरह तरह है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भगाना। कहाँ रहती हो? रहते घर में। क्या दिक्कत है? दिक्कत का है, नाली पानी की दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताओ? हमारे लड़का कहीं निकल, दिक्कत है हमारे लड़का, मारो गवा कही उधर किसने मारा? पानी में गिर गिर जाती है। आपका किसने मारा? कहीं का बताए मार, कोई नहीं बताए। अच्छा अच्छा, मार्ग नहीं बताए साहब, मतलब गली निकल जाए तो सब कोई निकलती। अच्छा, रास्ता कौन नहीं बनने दे रहा है? रास्ता इसमें मैकू नहीं बनने दे रहे हैं और राम खिलावन ने नहीं बनने दे रहे हैं, नंदा ने बनने नहीं दे रहे हैं। ये नंदा कौन है? नंदा कश्यप, वो राम खिलावन कश्यप और मैकू लोधी राजपूत। अच्छा, इनको क्या दिक्कत है जो नाली नहीं? दिक्कत है कि ये पानी यहाँ से नहीं निकलेगा। पहले तो प्रधान वो सब आए थे कि वहाँ निकलेगी, फिर बाद में ये सब गौसठ बना लिया, प्रधान उनके उसी हो गए, वो बूढ़े रहा है तो हमसे पानी नहीं निकले। प्रधान कौन है? प्रधान संतराम। अच्छा, ये नाली, ये रास्ता है, ये कोई हमारी नहीं, सबकी है। ये तो जो नाली दिखाए सबकी है भैया, हमारे नाली। अरे यह तो बहुत नप चुकी है साहब, ये नाली है कि रास्ता है? या तो रास्ता या मतलब दूसरा आदमी छुड़वाया था, ये ठाकुर आदमी छुड़वाया था, वो नाली जो सरकारी निकली है वह वहाँ से निकल रही है, जबरदस्ती उसको कब्जा कर रखा है। ये नाली मतलब ये तो ये प्राइवेट छुट्टी थी, ये नाली नहीं निकले दे रहे, पानी के निकास तुरंत बांध दी जाती है। अब बताओ साहब कहाँ? अच्छा, नाली कौन नहीं निकलने दे रहा है?
बिरिन नहीं निकलने दे रहे हैं और राम खिलावन नहीं निकलने दे रहे हैं और नंदा नहीं निकलने दे रहे हैं। अच्छा, इसकी शिकायत प्रधान से की ना? प्रधान से शिकायत किया, प्रधान उसके बार किसके बार? नंदा राम खिलावन मैं को। अच्छा, लेखपाल आया था तब क्या बताया? लेखपाल ने बताया कि इसको नाप के इसको निकाल दिया जाए, लेकिन वो लोग बोले कि हम नहीं निकालने देंगे। कौन बोला? मैको, राम खिलावन और नंदा। अच्छा, दबंगई बांस हमने गाड़ के वहाँ से सब सिस्टम बना दिया, वो सब बांस उखाड़ के सब फेंक दिया। स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में हो? पाँच। अच्छा, ये रास्ता है ना, इधर से निकलते हो? किधर से निकलते हो? उस तरफ से। फिर दाग निकल लेते हैं, कोई तो आए थे तब चला भरा हो थे, बताओ पूरी बात। कहाँ रहते हो? मंडली में। अच्छा, इधर से निकलते हो तब दिक्कत होती है? हाँ। चाला लग जाता ना। किस स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय मंडली। क्या नाम है? दीपांश। उसमें कीचड़ भरा रहता, निकलने में परेशानी होती, बरसात में जल भराव हो जाता है तो कताई निकले ही नहीं मिलते, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। नाली इधर जाना है, ये नाली सरकारी नाली है, ये तो अपने आप जोड़ी गई है पानी निकाल के लिए। वहाँ घाटा संख्या 58 में नाली अंकित है राजस्व अभिलेखों में, लेकिन वो दबंगाई के कारण निकलने नहीं देते। कौन दबंगाई कर रहा है? मैकू, सनाब बालक और राम खिलावन, राम बाप का नाम राम अवतार और नंदू बाप का नाम हिमनाथ। अच्छा, क्या प्रधान भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या? हाँ, प्रधान उधर से हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपने ही नहीं दे रहे हैं। प्रधान? प्रधान का क्या नाम है? संतराम। संतराम की वाइफ हैं नीलम देवी और वो पति। यहाँ इतनी बड़ी दबंगाई हो रही है, हमको सोचना है कि SP साहब जो हमारे हरदोई में आए हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको भी आशा पड़ रही है कि उनके माध्यम से हमारे लोगों की समस्या का निदान हो जाएगा, चाला कीचड़ से निजात मिल जाएगी। चाला भी भरा रहता है, तार लगाए हुए हैं पड़ोस में, इसमें रपट के गिरने की संभावना रहती, कट जाए, और झाड़ियों के तार लगाए हैं झाड़ियों के कांटे, उसमें भी निकलना परेशानी होती है, बहुत बड़ी समस्या है सर। जी हो मंडौली में? क्या नाम है? पढ़ने जाती हो? इसी रास्ते से निकलती हो? तो क्या दिक्कत होती है निकलने में? निकलने में गिर जाते हैं। गिर जाते हो, कीचड़ भरा है ना? अच्छा, ये कीचड़, ये रास्ता बनना चाहिए ना? हाँ। नाली का पानी भी निकलना चाहिए ना? हाँ। आप बताइए नाली की क्या समस्या है? नाली की ये समस्या है सर, हमको पानी की निकास हमको दी जाए सब खाले के लिए, हमारा पानी जहाँ जाता है ताल में वहाँ हमको पानी हमारा निकलने के हमको डगर दी जाए। क्या नाम है? हमारा रामचंद्र। कहाँ रहते हो? मंडौली में। अच्छा, इस नाली के विषय में प्रधान जी से जानकारी बताई? प्रधान जी से बताए, प्रधान जी हमसे वैसो खिलाफ में, हमसे प्रधान जी कहा है कि तुम हमरे मोहरे पे नहीं आना। हाँ, हमसे बोल दी नहीं, हम साफ बता दी, हम बोल दी नहीं, हमसे हम बता दी। कौन है प्रधान? प्रधान संतराम, वो उनकी वो है वो गुम। क्या क्या दिक्कत है दादी? दिक्कत भैया यहाँ है, डगर पर यहाँ पानी भरा है, निकास नहीं, तो यहाँ तो दिक्कत ही बहुत ही हो गई। हम पंच जो सवेरे आवा चाहे तो गिर गए रहन उस दिन। अच्छा, प्रधान जी रहन, तारम कट गए रहन भैया। प्रधान जी इसको बनवा नहीं रहे? नहीं बनवा रहे। चार महा गुलाम हो, प्रधान गुलाम न होते तो फिर का बनवा नहीं नहीं सर है? हम बनवा दिन होते तो हम लोग का है या दिक्कत होती? इसी गांव में रहती हो? मंडौली में रहते हैं हम लोग, सब लोग मतलब सब रास्ता है वही निकल। पानी हमारे निकालते हैं, पानी हमारे निकाल दिन जाए, वहाँ ढाबे पानी चला जाए ताल में, बस हमका लोगन कोई दिक्कत नहीं, पानी हमारे ताल में चला जाए, हमको लोगन कोई दिक्कत नहीं। ये पानी बांध दिया जाता है, वो एक आता है वो अठरौली में रहता है, ये सामने पानी आता है सुबह बांध देता है, ये पानी आके सुबह बांध देता है कि पानी निकलना नहीं है। हम खड़े ही जीवे तो बाहरी कहीं बाहरी लोग आएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।